दोस्त, स्वागत है आपका हमारे चैनल YouTube में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में कैसा आपको महसूस होता है। हाईवेज पर बिल्कुल पानी बरसा हुआ है और किस तरह से देखिए भाई साहब, ये बाइक वाले देखिए इनको यार, ब्रेक लगाना होगा तो ये कैसे लगाएंगे, पैर समेट रहे हैं अपने और पानी भी बरस रहा है हल्का हल्का। तो गाड़ी चलाने से पहले आप क्या है, इस बीच की पट्टी में चलाइए सबसे पहले, और स्पीड को अपना खासा मेंटेन रखिए। वो वाइट पट्टी के बीच में गाड़ी चलाइए, दोनों मिररों को आप देखते रहिए। आप पीछे इसमें वाइपर नहीं है पीछे वाले शीशे में, तो पीछे का शीशा तो बिल्कुल अंधा हो गया, उसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो साइड के मिरर में फिर भी कुछ दिख रहा है। तो बारिश में बड़ा उस हवास में बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट रख के ड्राइविंग करें, अन्यथा आप प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और लाइट अपनी जला लें, जो स्मॉल लाइट है आप अपनी उसको जला लें, और उसके बाद ऐसे ट्रैक्टरों से बहुत दूर रहें जैसे ये ट्रैक्टर, इसमें कम से कम 5000 ईंट होगी, तो इन ट्रैक्टरों से दूर रहें। और उसके बाद ही आप चलाएं। अब आगे हमारा टोल टैक्स पड़ेगा, तो यहाँ क्या है, बीच में एक शॉर्टकट भी है टोल से, लेकिन उसमें मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि पानी बरस रहा है, बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, ये भी सारा अंधा हो गया है, थोड़ा जल्दी जल्दी इसमें वाइपर करना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाई हमने वाइपर की, पानी बरस रहा है, बड़ा बरसात में गाड़ी चलाने का बड़ा आनंद ही कुछ अलग होता है। और एक नंबर पर तुम्हारी एसी वेरियन चल रही है। तो प्यारे साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि कभी भड़बड़ाए नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो, मस्त गाड़ी चलेगी, कोई टेंशन नहीं। अभी टोल टैक्स पड़ गया है काफी ज्यादा, क्या लोचा हो जाता है इन लोगों के यहाँ, गाड़ी पास नहीं होने दे रहे हैं। देखिए टोल टैक्स वाले, फास्टैग लाइन है फिर भी क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, थोड़ा जानना चाहेंगे। प्यार से निकला भाई, पूछना पड़ता है क्या करें। तो बाकी क्या है ना कि आप कॉन्फिडेंट रहिए और गाड़ी चलाते रहिए प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। गियर पर खासा ध्यान रखिए, गाड़ी मांगेगी आपको गियर डालते रहिए। तो अपना जो NH2 है भारत का, तो उनमें क्या है, कहीं तो बहुत अच्छा बनाया है, कहीं तो साला ऐसा लगता है कि साला दुकान ही पूरा हाईवे पे है, पता नहीं चल रहा है कि इधर कौन कहाँ से निकल रहा है, कौन कहाँ कब किधर मुड़ जाए। तो इस चीज को बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए बाई चांस मिस्टेकन। बाकी अपनी गाड़ी ज्यादा नहीं चली है, 25,000 किलोमीटर लगभग अभी तक चला पाया हूँ मैं, और इस गाड़ी को लगभग ज़्यादातर मैं ही ड्राइव करता हूँ, और एक हाथ की गाड़ी है इसमें, कभी भी मैं इसको पराई गाड़ी की तरह नहीं चलाता हूँ और ज़्यादा स्पीड में नहीं भगाता हूँ। अभी क्या है ना कि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है बरसात में,
अब ये भाईजान खड़े हैं आपके, पता नहीं बोल रहा इनका किधर जाएंगे, क्या इनका सीन है। थोड़ा वाइफर की स्पीड बढ़ाई है, बरसात में साला क्या है खाली रोड मिलती है, मस्त चलाने जाने का कोई टेंशन नहीं। और हाईवे में पहले यहाँ बहुत ज्यादा गड्ढे हुआ करते थे, अभी बीच में इसको रिपेयर किया गया है और ये थ्री लाइन्स इसमें बनाई गई हैं, काफी अच्छा हाईवे बनाया गया है। और तो बस ठीक है, चलते जाओ बढ़ते जाओ, चलते जाओ बढ़ते जाओ। गाड़ी चलाने में क्या है, जब आप कंट्रोलिंग सीख जाएंगे तो आपको ज्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। एक बार क्लच ले लिया, अपना गियर डाल दिया पांचवा, चलने दो भाई हौले हौले, और गाड़ी बढ़ती रहेगी,